रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल, माय डेली आइडियाज़। व्यूवर्स, आज फिर बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी के साथ आपसे आपके साथ हाज़िर हूँ। आज की रेमेडी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी हेयर मार्क्स की रेमेडी, किस तरीके से हेयर मार्क्स बनाया जाता है। टोटली आपको गाइड करूँगी किस तरीके से हम अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हमें डैंड्रफ को ख़त्म करना है, किस तरीके से आपके हमने अपने बालों को सॉफ्ट, नरम, मुलायम और इनकी ग्रोथ को बढ़ाने में फटाफट से मास्क तैयार करना है। हमें कौन कौन सी यहाँ पे हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी, घर में हमें मौजूद वो चीज़ें जिनसे हम हेयर मास्क बनाकर तैयार करेंगे, मुकम्मल आज की वीडियो में आपको गाइड करूँगी। गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मेरे पास हनी, सॉरी हिना, जैसे कि मेहंदी है, खुली वाली ये मेहंदी है मेरे पास 2 टेबल स्पून। जैसा कि आपको पता है ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पहले यही चीज़ें थी जो बालों को मजबूत, स्ट्रॉन्ग और हेयर फॉल डैंड्रफ से हमारे बालों को बचाए रखती थी। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे लूँगी हिना, मेहंदी है मेरे पास खुले वाली, और 2 टेबल स्पून है मेरे पास यहाँ पे दही का। दही मेरे पास घर पे बना हुआ है, जैसा कि आपको पता है दही भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बालों को मॉइस्चराइज करता है और इसे बिल्कुल मुलायम और इसकी ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे सरसों का तेल है जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं, ये वैसे मेरे पास सिरके वाली बोतल थी, उसमें मैंने घर में डाला हुआ है, तो वही मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दी है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये दही है, 2 चम्मच भर के मैं इसमें ले लूँगी दही के, और 2 टेबल स्पून लूँगी यहाँ पर मैं मेहंदी के, और हमें इसमें ऐड करना है यहाँ पे ये सरसों का तेल, ये शामिल करेंगे। इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये बहुत ही मुलायम सा हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। हेयर मार्क्स हम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे बनाकर 2 से 3 दिन के लिए बनाकर रख सकते हैं। आप इस ऐप को यूज़ करने का मैं तरीका भी बताऊंगी। इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, दही और तेल जब तक आपस में मिक्स ना हो जाए, एक जान ना हो जाए, तब तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। एक जान बना लेंगे एक पेस्ट की फॉर्म में, गाढ़ा सा, हमें ज़्यादा इसके पतला नहीं करना कि बालों में से ये निकल जाए। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं आपको इसका लगाने का तरीका बताती हूँ किस तरीके से आपने इसे लगाना है। आपने इसे जिस तरीके से हम बालों में अपने ख़ारिश करते हैं, इस तरीके से आपने इसे मसाज करते हुए अपनी हेयर की जो जड़ें हैं उसमें लगाना है। इसको कम से कम नहाने से 1 से 1.5 घंटा पहले आपने इसे लगा कर किसी कवर से, हेयर कैप से आपने इसे कवर कर लेना है, तो अच्छे से ये जज्ब हो जाए आपके बालों में, आपके स्किन के अंदर। फिर आपने इसे किसी भी शैम्पू से, अच्छे शैम्पू से आपने इसे वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह बहुत ही कम दिनों में आपको हेयर फॉल से छुटकारा मिल जाएगा, डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा, आपके बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा इजाफा होगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये रेमेडी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।